आइए आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं समाजीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसके पहले के सत्र में समाजीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो कुछ परिभाषाओं की चर्चा की थी, उसके आधार पर कौन कौन सी विशेषताएं बनती हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो समाजीकरण की विशेष बातें क्या है इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी में बदलता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा बच्चा या व्यक्ति जैविक प्राणी मात्र से आगे बढ़ करके वह एक सामाजिक व्यक्ति बनता है, मनुष्य बनता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आदमी से इंसान बनता है और दूसरे तरह से कहें तो उस मनुष्य का निर्माण होता है। तो समाजीकरण के द्वारा सामाजिक व्यक्ति का निर्माण होता है। दूसरा कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। एक तरफ समाज सिखाता है, दूसरा तरफ बच्चा या व्यक्ति सीखता है। तो इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं, तो सामाजिक मूल्य, आदर्श और जो प्रतिमान है, जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उसको व्यक्ति सीखता है और इस तरह के अनेक बातें सीखता है। अगली बात करें तो समाजीकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। अधिकतर समाजीकरण अनौपचारिक तरीके से होता है, जैसे परिवार में होता है, मित्रों से होता है, खेलते समय होता है, पीयर ग्रुप से होता है। लेकिन कुछ समाजीकरण औपचारिक ढंग से होता है, जैसे शिक्षक क्लास में बच्चों को निर्देशित करते हैं कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना है। तो औपचारिक ढंग से भी होता है और अनौपचारिक ढंग से भी समाजीकरण किया जाता है या उसकी प्रक्रिया चलती है। समाजीकरण आंतरिकरण की प्रक्रिया है, इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है। और इंटरनलाइज क्या होता है, तो जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स क्या हैं, मॉरल कोड्स क्या हैं, आचार संहिता जिसे हम कहते हैं, मूल्य क्या हैं और समाज के आदर्श क्या हैं, समाज की परंपराएं क्या हैं, इन सबको व्यक्ति आंतरिकृत करता है। अर्थात जो समाज में प्रचलित है उसको अपने अंदर लेता है और उससे फिर वह डेराइव होता है, उससे वह आगे चलता है। तो यह आंतरिकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण अनुशासन का विकास करती है, अर्थात समाजीकरण के द्वारा जब इंटरनलाइज करता है व्यक्ति, तो उसके द्वारा वह स्व अनुशासित होता है, स्वयं से अनुशासित होता है। तो एक तरफ माँ बाप या टीचर अनुशासित करते हैं, दूसरी तरफ बच्चा स्वयं अनुशासित होता है। और अनुशासित होने से क्या होता है कि उसमें आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित होती है, सेल्फ कंट्रोल। अगर अनुशासन विकसित न हो, अगर आंतरिकरण न हो, तो क्या होता है, व्यक्ति अपने जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं या जो आवेग होते हैं, इंपल्सेस होते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन समाज में रहते रहते वह सीखता है कि जो इंस्टिंक्ट्स हैं उसको वैसे ही प्रदर्शित करना सही नहीं है, वह समाज में स्वीकृत नहीं है। और जो इंपल्सेस हैं, जो अचानक आवेग आते हैं, उनको भी उसी तरह से प्रदर्शित करना उचित नहीं है, तो उसको रोकना सीखता है और समाज के अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। तो यह एक अनुशासन विकसित करता है। समाजीकरण सतत चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब यह बीच में रुकता नहीं है। हर समय हर जगह समाजीकरण की प्रक्रिया चलते रहता है, हम कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, सचेत हो या ना हो, हमारा समाजीकरण होते रहता है। और यह समाजीकरण जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि केवल बच्चे में समाजीकरण होता है या युवावस्था में होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर अवस्था में होता है। हाँ, हर अवस्था में कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन हर अवस्था में होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक समाज का कार्यात्मक सदस्य बन जाता है। जो समाज है या जिस समूह में बच्चा रहता है उसका फंक्शनल मेंबर बनता है। वह केवल मेंबर नहीं होता, वह पैसिव नहीं होता, वह एक्टिव होता है और समाज के अनुरूप वह व्यवहार करता है, वह कार्य करता है, वह जिम्मेदारियां निभाता है। समाज में सुसंगत बनने के लिए, फिट होने के लिए समाजीकरण कुशलता एवं क्षमताओं का विकास करता है। जब समाज में व्यक्ति को रहना होता है तो उसमें फिट होना है, तो अनेक कुशलताएं, जिसमें सामाजिक कुशलताएं भी हैं और अन्य कुशलताएं भी हैं, तो वह स्किल्स डेवलप होते हैं और उसको डेवलप करके, और जो अपनी क्षमताएं हैं उसको डेवलप करके वह अपने को समाज में फिट करता है। समाजीकरण जो है सामाजिक भूमिका तथा उसके समर्थक अभिवृत्ति का विकास करती है। समाजीकरण जो है वह व्यक्ति जैसे जैसे
आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको भिन्न 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 भूमिकाएं मिलती हैं और उन भूमिकाओं के अनुरूप अपने को बनाते चलता है। यह बात समाजीकरण के द्वारा होता है। जैसे छोटा बच्चा है तो वह बेटा है या बेटी है, फिर वह किसी का मित्र बनता है या बनती है, फिर उसकी और आगे बढ़ता है तो वह कहीं शिष्य बनता है, कहीं टीचर बनता है, कहीं वो हस्बैंड बनता है, वाइफ बनता है, दीदी बनता है, भाई बनता है, और इस प्रकार से अनेक भूमिकाएं उसके सामने आती हैं। तो समाजीकरण के द्वारा उन भूमिकाओं को वह सीखता है, उसे बताया जाता है कि आपकी इस समय में ऐसी भूमिका है, इस समय में ये भूमिका है, और उसी प्रकार से आपको अपने जो रोल है वह करना है, जो उसके उत्तरदायित्व तो है उसको पूरा करना है। तो समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति जो है वह भूमिका निर्वाह करने की क्षमता विकसित होती है और उसके अनुकूल अभिवृत्तियां भी उसमें विकसित होती हैं जो उसके लिए जरूरी हैं। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अनुकूलन करना सीखता है, एडेप्टेशन सीखता है, मतलब जब परिस्थितियां बदल गईं तो उसको कैसे व्यवहार करना है, जहां पर चीजें बदल गईं उसके अनुकूल अपने को कैसे ढालना है। तो एडेप्टेशन का प्रोसेस भी समाजीकरण है और उसमें के द्वारा व्यक्ति सीखता है। समाजीकरण के द्वारा संस्कृति जीवित रहती है, संस्कृति चलायमान रहती है और समाज भी निरंतर बना रहता है। संस्कृति के जो तत्व हैं वह एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और इसका मूल एक प्रक्रिया है समाजीकरण। तो संस्कृति इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, वह जीवित रहती है और समाज भी अपने को बनाए रखता है, क्योंकि अपने अनुकूल ही वह भावी पीढ़ी का निर्माण करता है, फिर उसी अनुकूल समाज बनता है। तो समाज भी अपने को पुनर्जीवित करता है समाजीकरण के द्वारा और संस्कृति भी जीवित रहती है, चलती रहती है समाजीकरण के द्वारा। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति बहुत संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति के तत्वों के साथ आत्मसात करता है, एसिमिलेट करता है। जो भौतिक संस्कृति है अर्थात जो सभ्यतागत चीजें हैं, अर्थात जो उपकरण हैं, जो सामान हैं, जो वस्तुएं हैं, जो इजाद हैं, उन सबको वह सीखता है और साथ में अभौतिक संस्कृति को भी सीखता है, मतलब कि क्या परंपराएं हैं, क्या मूल्य हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ज्ञान है, कौन सी कलाएं हैं, कैसे प्रदर्शित करना है, शिष्टाचार कैसे निभाना है, किस फंक्शन में, किस ओकेजन में कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीजें भी वह सीखता है। तो एक तरफ भौतिक चीजों को भी सीखता है, दूसरी तरफ अभौतिक चीजों को सीखता है और उसको सीखने के द्वारा आत्मसात करता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्तित्व का गठन होता है और आत्म का विकास होता है। जो पर्सनैलिटी है व्यक्ति का वह समाजीकरण के द्वारा ही होता है, समाज में रह करके ही होता है। समाज के लोगों के साथ मिलजुल करके जब रहते हैं, उनके साथ अंतर्क्रिया करते हैं, तो व्यक्तित्व का गठन होता है, अकेले में व्यक्तित्व का गठन नहीं होता और उसके आत्म का विकास होता है, आत्मभाव विकसित होता है। वह क्या है, दूसरों से कैसे भिन्न है, उसमें क्या खास बातें हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या कमियां हैं, वो सब वह सीखता है और अपनी एक छवि बनाता है कि मैं ऐसा हूं, और यह व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो समाजीकरण के द्वारा ये बातें होती हैं। अगर विभिन्न अभिकरणों के बीच, जो समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण हैं, उनके बीच में सामंजस्य होता है, उसमें सहमति होती है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, ज्यादा मजबूत होती है, अच्छे से होती है। लेकिन अगर अभिकरणों के बीच में चीजें अलग अलग हो जाएं, विरोधाभासी चीजें आ जाती हैं, मतलब एक अभिकरण कहता है कि ऐसा करना चाहिए, दूसरा अभिकरण कहता है दूसरे प्रकार से करना चाहिए, तो उसमें बच्चा भ्रमित हो जाता है और थोड़ा सा विलंब हो जाता है उसके समाजीकरण के लिए। तो समाजीकरण में अगर सभी एजेंसियां का मतलब जैसे परिवार है, मित्र समूह है, विद्यालय है, अगर हम इन्हीं तीन को लें, तो अगर परिवार कुछ और कहता है और विद्यालय कुछ और कहता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, समाज में क्या सही है। तो अगर उसमें आम सहमति होती है तो उसका जो समाजीकरण है वह तीव्र और अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण के द्वारा एक तरफ समाज और संस्कृति को बच्चा सीखता है और उसके अनुसार उन चीजों को अपने अंदर लेता है, उसको इंटरनलाइज करता है, उसको एसिमिलेट करता है और उससे एक कंसियंस डेवलप होता है कि हमें क्या करना चाहिए, और उस इंटरनलाइजेशन के द्वारा वह स्वयं अपना व्यवहार करता है। फिर बाहर से हर समय निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी तरफ जो बच्चा है या बालक है या बड़ा व्यक्ति है, वह नई नई चीजों को सीखता है, क्या परिस्थितियां आने वाली हैं, कौन सी भूमिका आने वाली है, कब क्या परिस्थिति आएगी, उसके अनुसार वह अपने को तैयार करता है। तो एक तरफ वो समाज के अनुकूल अपने को बनाने का प्रयास करता है और समाज उसको अपने अनुकूल बनाने की प्रयास करता है, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं मिलकर के इसको हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं।